Good afternoon and welcome to Grade Up. Welcome to the weekly current affairs class. So we will today discuss the current affairs class of the last week, that is from 18th of December to 20th of December. Right. Welcome to all of you. And today we will discuss the current affairs for the third week of December. Welcome to current affairs class. Mayur, Narayan, Kajal Patil, Vassala Mathur. Good afternoon, Jai Hind, and welcome to all of you. आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करूंगा और अब स्टार्ट करें अपनी क्लास. सॉलिड टाइम क्लास स्टार्ट करते हैं. देखिए मैं साथ में सिखाऊंगा तो बहुत डिटेल होती है करंट अफेयर्स में, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल होती है. आपके CDS के लिए, आपके NDA के लिए, आपके FCAT के लिए किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना है, चाहे वो FCAT है, चाहे A4 ग्रुप X एंड Y है, चाहे NDA है, चाहे CDS है, चाहे OTA बैच है. अपन इस हिसाब से करेंगे ताकि अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दें. थोड़ी बहुत साथ साथ में हिस्ट्री भी कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेलिवेंट है वो भी समझाऊंगा, और ये भी कोशिश करूंगा सिखाने की कि चीजों को याद कैसे रखना है. करें स्टार्ट. पहला टॉपिक नेहरू जूलॉजिकल पार्क. पहला पॉइंट क्या रखना है, वेयर इज नेहरू जूलॉजिकल पार्क? इट इज इन स्टेट ऑफ तेलंगाना और इन द सिटी ऑफ हैदराबाद. पहला पॉइंट ऐसे याद रखो, नेहरू जूलॉजिकल पार्क विच इज इन हैदराबाद स्टेट ऑफ तेलंगाना गेट्स ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम UK. ऐसे याद रखो, नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहां पर है, हैदराबाद में है. उसे क्या मिला है, उसे ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट. किसने दिया है, एक्रीडिएशन सर्विस फॉर सर्टिफाइंग बॉडी दैट इज इन UK. ये चार चीज याद रखो, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद स्टेट ऑफ तेलंगाना, उसको ISO 9001:2015 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिला है. किसने दिया है, ASCB एक्रीडिशन सर्विस फॉर सर्टिफाइंग बोर्ड UK ने. और सबसे बड़ी बात, ये इंडिया का पहला जू है जिसको ये मिला है. इंडिया के पहले जू को क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिला है. याद रखो क्वालिटी मैनेजमेंट रखी है, ठीक है, और इसका पूरी तरह से सर्वे हुआ उसके बेसिस पे ये सर्टिफिकेट दे रखा है, दिया है. और ये जू बना कब था, दिस वाज फॉर्मड ऑन 12th of October 1963. अगली बात याद रखना. और इंडिया में जू मैनेजमेंट कौन करता है, इंडिया में जू मैनेजमेंट इज डन बाय CZA. CZA ऑफ इंडिया मैनेजेस व्हाट, द zoos इन इंडिया. ये फैक्ट हो जाता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA मैनेजेस द zoos इन इंडिया. एंड नेहरू जूलॉजिकल पार्क्स हैव हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इट इंक्लूडिंग इंडिया राइनोसोरस, इंक्लूडिंग एशियाटिक लायन एंड इंक्लूडिंग बंगाल टाइगर. हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इज प्रेजेंट वेयर इन नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ठीक है. इसको साथ में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हब का भी दर्जा मिला हुआ है, पर्टिकुलरली फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ डेक्कन. बस इतना याद रखना आपने किसके लिए, नेहरू जूलॉजिकल पार्क के लिए, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ, ठीक है. सेकंड, एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 कंक्लूडेड. पहले करेंगे एसोचैम क्या है, कब बनी थी, और अभी जो वीक सेलिब्रेट हुआ उसके बारे में फिर लास्ट में करेंगे. एसोचैम का मतलब क्या है, एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया. एसोचैम का मतलब क्या है, द एसोसिएशन चैम्बर ऑफ, द एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया की किसकी फुल फॉर्म है, एसोचैम की. मतलब ये क्या है, जो एक ट्रेडर का एसोसिएशन है. डेमोक्रेसी में एसोसिएशन बनते हैं ग्रुप्स. डेमोक्रेसी चलती किसके ऊपर है, डेमोक्रेसी चलती एसोसिएशन पे, ग्रुप्स पे. वो क्या होते हैं, वो प्रेशर डालते हैं, वो पॉलिसी एडवाइस देते हैं किसको, गवर्नमेंट को, ये करना है या नहीं करना. ऐसे ही एसोचैम, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, जैसे फार्मर्स की एसोसिएशन है, ट्रेडर्स, ट्रेड यूनियंस की एसोसिएशन है, वैसे ही बिजनेसमैन की एक एसोसिएशन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एसोचैम के नाम से जानते हैं. और ये बनी कब थी, ये बनी थी दिसंबर 2000
दिसंबर 1920, इट वॉज फॉर्म इन 1920, 1920 में ये बनी थी और इस साल इसके 100 साल बनने के पूरे हो चुके हैं, ठीक है, इस साल इसके 100 साल बनने को हो चुके हैं, इसलिए एसोचैम फाउंडेशन वीक बनाया था अभी, जिसका लास्ट कब था सेलिब्रेशन, 19 दिसंबर 2020 को जिसकी लास्ट डेट थी सेलिब्रेशन की, कब से कब बनाया था, 15 से 19 दिसंबर 2020 को। एसोचैम फाउंडेशन वीक कब बना था, 15 से 19 दिसंबर 2020 को, कब फाउंडेशन वीक, 1920 में ये बनी थी, अब 2020 को इसका क्या बनाया है, एसोचैम फाउंडेशन वीक। अभी जो एसोचैम का फाउंडेशन वीक बनाया उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी इंडियाज रेजिलियंस आत्मनिर्भर रोडमैप टूवर्ड्स ए $5 trillion इकोनॉमी। अब देख लो ये क्या है, ये वो ग्रुप है जो इंडिया में बिजनेस, इंडिया में ट्रेड, इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला ट्रेड भी, सब कुछ डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, और साथ में ट्रेड बैरियर्स को कम करना चाहता है, इसका फोकस है ट्रेड को बढ़ाना। तो जो मोदी जी की सोच है उससे एसोचैम की बिल्कुल सोच मिलती है, और इसलिए इस साल की थीम देखो क्या है, जो मोदी जी की सोच है क्या, आत्मनिर्भर भारत बनाना है और $5 trillion इकोनॉमी को इंडिया को खड़ा करना है, इस साल की एसोचैम की फाउंडेशन वीक की थीम थी। कब बना था, 1920 में बना था ये, और मोदी जी ने इसके जो एक कॉन्फ्रेंस को संबोधन भी किया था, किसके, एसोचैम के लास्ट वाली जो लास्ट वाली इसकी मीट थी इस वीक की, उसमें मोदी जी खुद प्रेजेंट हुए थे, उन्होंने एड्रेस भी किया था इस साल की कॉन्फ्रेंस को, एसोचैम कॉन्फ्रेंस को। थीम याद रखना, एग्जाम में थीम पूछ सकते हैं, दो चीजें पूछ सकते हैं कि कब बना था, 1920 में बना था, और 2020 की थीम क्या थी, इंडिया रेजिलियंस आत्मनिर्भर रोड मैप टूवर्ड्स ए $5 trillion इकोनॉमी। ये दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इतना याद रखो बस एग्जाम के लिए। इसमें 400 चैम्बर है, इसमें 4.5 लाख मेंबर्स है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, सिर्फ कब बना था और इस साल की थीम क्या है। अगला सवाल, ओडिशा के गवर्नमेंट ने और या सीएम ने, नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसे हम कहते हैं परिश्रम पोर्टल, परिश्रम पोर्टल, जिसमें 22 सर्विसेज दी जाएंगी, किससे लिंक, एम्प्लॉई और लेबर से लिंक, लेबर डिपार्टमेंट की और एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की, दोनों इकट्ठे ही वहां पर, लेबर एंड एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की 22 सर्विसेज अब आपको ओडिशा में, सिर्फ ओडिशा में, उनके ऑनलाइन पोर्टल परिश्रम से मिलेगी, परिश्रम से। क्यों, देखिए हर चीज कहां हो रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन लेके आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन लेके आता है, बताइए मुझे, मैं वेट कर रहा हूं। ओडिशा गवर्नमेंट ने के लेबर एंड एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, वह पोर्टल परिश्रम, किस लिए, 22 सर्विसेज लेबर और एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की अब ऑनलाइन पोर्टल पे मिलेगी। मेरा सवाल आपसे यह है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन लेके आता है, ये लेके आता है वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल सही, शुभम ठाकुर का आंसर आ गया, वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट लेके आता है। अब इसके थ्रू क्या है, इस पोर्टल के थ्रू क्या है, परिश्रम पोर्टल से क्यों, लेबर लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सर्विसेज, 52 टाइप्स ऑफ सर्विसेज की एप्लीकेशन आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन जो नया बिजनेस खोल रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन और लाइसेंस इस पोर्टल के थ्रू दिया जाएगा। अब आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए मैं बता दूं, फॉर योर एडिशनल नॉलेज, इंडिया में टोटल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के 40 लेबर लॉस थे और स्टेट गवर्नमेंट के 100 ऑफ लेबर लॉस थे, क्योंकि लेबर किसके अंदर सब्जेक्ट है, लेबर इज अनदर कॉन्करेंट सब्जेक्ट, और कॉन्करेंट सब्जेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लोग बना सकती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने लोग, स्टेट गवर्नमेंट के अपने लोग। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेबर लॉस को 4 कोड में बांट दिया है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, फर्स्ट इज कोड ऑन वेजेस, इतने सारे लेबर लॉस थे जो 40 तो अकेली 40 से ज्यादा लगभग 44 थे सेंट्रल गवर्नमेंट के और 100 से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के, उन सब लोग को इकट्ठा करके एक लेबर कोड बना दिया, 4 लेबर कोड बना दिए, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, थर्ड इज सोशल सिक्योरिटी कोड,
थर्ड इज सोशल सिक्योरिटी कोड एंड फोर्थ इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड. हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड हमारे देश के सारे लेबर लॉज को चार कोड में बांट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि लेबर लॉज पे सेंट्रल और स्टेट, क्योंकि लेबर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, दोनों लोग बना सकते थे. अब इन सारे लॉज को हमने चार कोड में बांट दिया है, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड. ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बाकी आपसे हो गया पूछेंगे कि परिश्रम पोर्टल कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है. परिश्रम पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय स्टेट ऑफ ओडिशा. फॉर व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. इससे बार क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. विद्युत मोहन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड उनको मिला है. यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ कई जनों को मिला है. इंडिया के विद्युत मोहन है जो कि 29 साल के, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि UNEP का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इंडिया में किसको मिला है. इंडिया का मिला है किसको? विद्युत मोहन को. और क्यों मिला है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये भी पूछ सकते हैं. ये अवार्ड कौन देता है? ये देता है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम. और UNEP कब बनी थी? इट वॉज फॉर्म्ड इन 5 जून 1948. ये भी याद रखना. UNEP was formed on 5 June 1948. एंड इंडिया में उनको कौन सा अवार्ड मिला है? यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड UNEP का किसको दिया? विद्युत मोहन को. एग्जाम में क्या सकता है कि यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कौन देता है? UNEP देता है. इंडिया में किसको मिला है? इंडिया वाला किसको मिला है इस बार, मतलब इंडिया में किसको मिला है इस बार? विद्युत मोहन को. क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने, वो एक को फाउंडर है किसके? टकाचार के. टकाचार बोल रहे इसको. वो क्या है? एक सोशल एंटरप्राइज है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फार्मर्स को, आपको ये पता हो, थोड़ी बहुत नॉलेज हो, पंजाब हरियाणा पार्ट्स ऑफ राजस्थान पार्ट्स ऑफ UP के जो फार्मर हैं वो क्या करते हैं, वो जो स्टबल बर्निंग करते हैं, जो राइस का थोड़ा सा बच जाता है वेस्ट, उसकी स्टबल बर्निंग करती है, उससे क्या होता है, उससे पोल्यूशन होता है, इसकी वजह से फार्मर्स को क्रिटिसाइज भी किया जाता है. तो टेक्चर एक कंपनी ने, इन्होंने क्या तैयार किया है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी और मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं जिससे फार्मर अपने फार्म वेस्ट को वैल्यू एडेड केमिकल्स में कन्वर्ट कर लेंगे. इससे क्या कर लेंगे कि जो भी फार्म एग्रीकल्चर का वेस्ट है वो केमिकल्स में, मतलब बायो पेस्टिसाइड्स में, बायो फर्टिलाइजर्स में, बायो केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका फायदा एक तो पोल्यूशन कम होगा, इससे पोल्यूशन कम होगा, और सेकेंड इससे क्या होगा, सेकेंड इसका एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, सेकेंड फार्मर की इनकम बढ़ेगी. विजय मोहन साहब कहते हैं कि जो मेरी टेक्नोलॉजी है अगर ढंग से फार्मर यूज करे तो फार्मर की इनकम लगभग 40% तक बढ़ सकती है. अब एक याद रखना, विद्युत कौन है? विद्युत मोहन को. और किसका मिला है? यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड. कौन सी कंपनी है? टेक्चार. और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फार्मर्स ओपन बर्निंग ना करें, स्टबल बर्निंग ना करें, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे कि ये फार्म वेस्ट को यूजफुल केमिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. अदर विनर्स कौन कौन है? एक अकेले इंडिया के नहीं है, बाकी दूसरे देशों से भी विनर्स है. नजाबी मेथी फ्रॉम केनिया, जियावियन रैन फ्रॉम चाइना, लेफ्टेरिस अरापाकिस फ्रॉम ग्रीस, नीरिया अलिसिया ग्रेशिया, मैक्स हेडल्गो पिंटो एंड फतेमा अलजी लिजिलिया. इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो विद्युत मोहन नाम याद रखिए, उनकी कंपनी का नाम याद रखिए, और UNEP अवार्ड याद रखिए, और यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड याद रखिए. और UNEP कब बना था? 5 जून 1948 को UNEP बना था. सिर्फ आपने एग्जाम के लिए इतना याद रखिए, इतना सफिशियंट है. ठीक है, नेक्स्ट. इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे जो कि 20 दिसंबर को हर साल बनाया जाता है. इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, देखिए अब हमने ह्यूमंस को बांट दिया, तू अमेरिका, तू कनाडा, तू साउथ अमेरिका, तू कोलंबिया, तू ब्राजील, तू पेरू, तू वेनेजुएला, तू यूरोप, यूरोप में UK, फ्रांस, जर्मनी,
यूके, फ्रांस, जर्मनी, वो भी क्या कह रहे हैं, नाम भूल गया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, बांट दिया कंट्रीज को, यूएसएसआर, तू चाइना, मैं इंडिया, मैं पाकिस्तान, मैं बांग्लादेश, मैं ऑस्ट्रेलिया, क्या है ये? ह्यूमंस हैव क्रिएटेड द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज आर नॉट नेचुरल। अब इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री क्या है, इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री क्या है, ह्यूमन ने क्रिएट की है। यूनाइटेड नेशन का कंसेप्ट ही किस पे था, कि ह्यूमन सोलिडारिटी पे, कि सारी दुनिया के लोग एक साथ रहेंगे, यूनिटी में, पीस में और कॉमन प्रोस्पेरिटी के लिए करेंगे। डाइवर्सिटी है, अलग अलग रेस है, अलग अलग कलर है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग रीजन है, अलग अलग लैंग्वेज है, कल्चर्स है, फूड है, बट फिर भी जब इंडिया इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री होगी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी प्रमोट करता है, तो सेम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल पे क्यों ना प्रमोट की जाए। इसके लिए हमारे यूनाइटेड जनरल, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने दिसंबर 22, 2005 को कहा था, ये 2005 की 20 दिसंबर को हर साल क्या बनाया जाएगा, इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडारिटी डे। किसने पास किया था प्रस्ताव, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2005 में ये प्रस्ताव पास किया था, तब से 20 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडारिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और सुन लो इसकी बात, वर्ल्ड सोलिडारिटी फंड, ये भी पूछ सकते हैं, WSF, वर्ल्ड सोलिडारिटी फंड, ये कब बना था, दिस वॉज फॉर्मड इन फेब 2003। वर्ल्ड सॉलिडेरिटी फंड भी अलग से बनाओ। यूनिटी देखो ऐसे ही लड़ रहे हैं, कोई धर्म के बेसिस पे, कोई नेशंस के बेसिस में, कोई कलर के बेसिस पे, कोई कास्ट के बेसिस पे, कोई रेस के बेसिस पे, कोई एथनिसिटी के बेसिस में, नहीं लड़ना। कोई रीजन के बेसिस में, हम अमेरिका हैं, तुम नॉर्थ अमेरिका है, हम साउथ अमेरिका है, ऐसे ही। उसके अंदर यूनिटी लाने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं कौन सा डे, इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडारिटी डे ऑन 20th of December। नेक्स्ट, लुइस हैमिल्टन को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। फॉर्मूला वन के वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन को कौन सा अवार्ड मिला है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ये पहली बार मिला नहीं, इनको 2014 में भी अवार्ड मिला था। लुइस हैमिल्टन हैज वॉन विच अवार्ड, ठीक है, हैज वॉन द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। बाकी किसके कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, हेलन रोल्सन अवार्ड टू कैप्टन सर टॉम मोरो, एक्सपर्ट स्पेशल पैनल अवार्ड बीबीसी का किसको मिला है, मार्कस रशफोर्ड को, कोच ऑफ द ईयर अवार्ड जर्गन क्लॉप को, ये सब अवार्ड और बीजे उसने क्या बीबीसी ने दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। अगला क्वेश्चन और भी है इसके अंदर, टीम ऑफ द ईयर अवार्ड लिवरपूल को, अनसंग हीरो मैट रटाना को, कैप्टन टॉम यंग अनसंग हीरो टोबियास वेलर को, यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर एंड्रिया स्पेंडोलिनी सीरी एक्स को, इन सबको अलग अलग अवार्ड भी ये मिले हैं बीबीसी के अंदर। ठीक है, हमें तो मैंने याद रखना है, हमें कौन सा हमारे लिए कौन सा मेन है, हमारे लिए मेन है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड हैज बीन गिवन टू लेवाइस हैमिल्टन, ये याद रखना है। ठीक है, और ये कौन है, ये फॉर्मूला वन के वर्ल्ड चैंपियन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब थोड़ा बहुत याद रहेगा, चल जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, अगला सवाल, इंडिया वियतनाम की सबमिट हुई, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर एच ई न्यंग्युअन जुआन फूक इनने पार्टिसिपेट किया, और सबमिट क्या थी, वर्चुअल सबमिट थी। और इस सबमिट में देखो, इस सबमिट का इंपॉर्टेंस क्या है, चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना अपना कंट्रोल लैंड पे नहीं सी पे भी कर रहा है, और साउथ चाइना सी पे जो कि वियतनाम भी है वहां पर, वहां पे चाइना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे चाइना एंटर करने की कोशिश कर रहा है, आपस में डिस्प्यूट्स है, चाइना ऑन वन साइड, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया ऑन अदर साइड, फोर आइलैंड्स लाइक स्पार्टले आइलैंड्स, वन आइलैंड स्पार्टले आइलैंड्स, जहाँ पे किनका इन कंट्रीज के चाइना के साथ डिस्प्यूट है। इंडिया में भी है, लद्दाख सेक्टर में इंडिया में घुसा था कुछ एरिया, आज भी लॉकडाउन के टाइम, तो कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन के टाइम चाइना कंट्रोल में है लद्दाख का एरिया।
अब इस टाइम पे जब एशियान की एक कंट्री कौन सी वियतनाम पार्टिसिपेट करेगी इंडिया के साथ वर्चुअल सबमिट में, इट शोज दैट वी आर वेरी सीरियस रिगार्डिंग द राइज ऑफ चाइना. द मोर वी कॉपरेट ऑन द रीजनल फ्रंट द बेटर इट इज फॉर इंडिया टू बी अहेड ऑफ चाइना इन द सिक्योरिटी एंड द स्ट्रेटेजिक विजन. चाइना को अलग अलग फ्रंट्स पे काउंटर करना पड़ेगा, चाइना चुप बैठने वाला नहीं है. अब इंडिया वियतनाम की जो अभी वर्चुअल समिट हुई जहां इंडिया के पीएम और वियतनाम के पीएम उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इशू की जॉइंट इशू विजन फॉर पीस प्रोस्पेरिटी एंड पीपल, तीन पी, पीस प्रोस्पेरिटी एंड पीपल के लिए जॉइंट विजन उन्होंने इशू की. और इंडिया उनको क्या दे रहा है, हाई स्पीड गार्ड बोट भी दे रहा है. देखो साउथ चाइना सी में चाइना अपना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है, अब इंडिया वियतनाम को बोट दे रहा है, अच्छी बात है. इंडिया इज हेल्पिंग वियतनाम इन बिल्डिंग ऑफ हाई स्पीड गार्ड बोट्स एज वेल, ठीक है. और साथ में क्या है, इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने ग्रांट्स एंड एड्स दिए कितने की, 1.5 मिलियन डॉलर्स की, किसको, वियतनाम को, जिससे वो 7 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ये जो बोट वाले हैं, ठीक है, हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं. इंडिया एंड वियतनाम सिविलाइजेशनल रिलेशंस एनसाइक्लोपीडिया डेवलप हो रहा है. तो कल्चर, अब देखो इंडिया को दोनों तरफ पे करना पड़ेगा, सॉफ्ट पावर भी और हार्ड पावर भी. सॉफ्ट पावर क्या है कि जब हम कल्चर रिलेशंस बिल्ड करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, जब इंडिया की डेमोक्रेसी को हम प्रमोट करते हैं, जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे बायलैटरल रिलेशंस बिल्ड करते हैं, जहां पे पैसे का या टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सॉफ्ट पावर है. हार्ड पावर क्या है, जब वेपन्स यूज करते हैं. इंडिया अगर हाई स्पीड बोट्स देगी किसको, वियतनाम को, इट इज व्हाट, इट विल हेल्प वियतनाम इन काउंटरिंग चाइना, चाइना एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द साउथ चाइना सी. दिस एग्जांपल ऑफ हार्ड पावर. तो अब अगर सिविलाइजेशनल का एनसाइक्लोपीडिया तैयार करेंगे तो ये किसका एग्जाम्पल है, हम रिलीजियस लेवल पे या सिविलाइजेशन लेवल पे इंटरेक्शन कर रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे इंडिया की सॉफ्ट पावर डेवलप होगी. और इंडिया के पास सॉफ्ट पावर अभी ज्यादा है और हार्ड पावर रिलेटिवली थोड़ी कम है. इंडिया इतनी ज्यादा फोकस इस पे कर रहा है, सॉफ्ट पावर पे. हमारे डिफेंस मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बोला भी था, इंडिया की सॉफ्ट पावर दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन सकती है दुनिया में, उसे यूज करो, उसको चैनलाइज करो सही डायरेक्शन पे. चलो अब नए नए रूल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी राइट्स टू कंज्यूमर रूल्स 2020, गवर्नमेंट ने इन रूल्स को नोटिफाई कर दिया है. देखिए लॉ तो पार्लियामेंट बनाती है, रूल्स एग्जीक्यूटिव बना सकती है. अभी क्या है, हमको जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है हमारे घरों में, उस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी भेजती है, वो कौन है, दे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, राइट, वो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है, और उसकी मोनोपोली होती है जिस एरिया में वो है, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो हमें रेगुलराइज करते हैं अपने मनचाहे, वो चार्जेस लगाते हैं अपने मनचाहे, जब चाहा इलेक्ट्रिसिटी काट दी, जब हमने कनेक्शन के नए कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, अपने आप आराम से लेके आएंगे, चाहे वो सरकारी कंपनी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, दोनों का बुरा हाल है. मतलब कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पूरा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में क्या है, मोनोपोली है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पे क्या, मोनोपोली है, इसलिए कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. अब इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए नाम देखो, राइट टू कंज्यूमर रूल्स, इलेक्ट्रिसिटी राइट टू कंज्यूमर रूल्स गवर्नमेंट ने पास कर दिए, ताकि 24/7 कंज्यूमर को क्या, बिजली मिलती रहे, और डिस्ट्रीब्यूट जो बिजली बांटते हैं उनकी ड्यूटीज लगा दी, ऑब्लिगेशन है भाई, बताना पड़ेगा कब कब बिजली मिलेगी कब कब नहीं मिलेगी. 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए कंज्यूमर को, वो पैसे दे रहा है, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्यों ना मिलेगी. पंजाब में एक एरिया लुधियाना का इंडस्ट्रियल एरिया है, एमएसएमईज बहुत ज्यादा है वहां पर, वो और भी बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज बन जाता, लेकिन बिकॉज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दैट एरिया हैज बिकम रिलेटिवली नॉट एबल टू अचीव इट्स पोटेंशियल. अब ऐसे नहीं कि सबको 24/7 दो, जैसे एग्रीकल्चर के लिए कुछ स्पेसिफिक आवर्स दे सकते हैं कि हाँ इतने घंटे के लिए होगी, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अब रूल्स आने के बाद 24 घंटे की बिजली देनी पड़ेगी. और कॉल सेंटर खोलो कि जहां पे हम फोन कर सके, हमें कोई दिक्कत हो रही है, हमारे पास कॉल सेंटर का नंबर होना चाहिए, ग्रीवेंस एड्रेस लो, और जो सर्विस हमारे को बताई वो पे नहीं करेंगे, वो अगर सर्विस हमको नहीं देंगे तो उनके ऊपर फाइन लगेगा.
कंज्यूमर को कंपनसेशन देनी पड़ेगी। और जो नया कनेक्शन है बिजली का, वो बड़ी सिटीज में 7 दिन में, म्यूनसिपैलिटीज में 15 दिन में, और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में देना पड़ेगा। डिटेल रूल्स आए हैं, डिटेल रूल्स करके रहे हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट याद ही रखना। डिटेल रूल्स करके रहे हैं, कंज्यूमर के राइट्स इंश्योर कर रहे हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन इंश्योर कर रहे हैं। अगर वो सप्लाई नहीं करेंगे तो उनके ऊपर फाइन लगेगा, उनको कंज्यूमर को कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी। अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो एक ट्रेन चलती है, अभी तो बंद है वो, लखनऊ से दिल्ली, तेजस एक्सप्रेस। अगर वो टाइम से ना पहुंचे ना, उन्हें कहा कि राइट टू सर्विस है कंज्यूमर का, जो तो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है वो कौन है, कंज्यूमर है आपके मेरे जैसा। अगर हमको सही सर्विस सही टाइम पे नहीं मिलेगी, अगर वो आधा घंटा लेट हो, उससे ज्यादा थोड़ी लेट हो, तो आपको आपकी टिकट का कुछ परसेंटेज पैसा वापस मिलता है। यहाँ भी क्या है सर्विस भाई, हम इतने पैसे दे के बिजली दे रहे हैं, हम इतने पैसे दे के ट्रेन की सर्विस ले रहे हैं, फिर भी हमको क्वालिटी सर्विस ना मिले। नाउ कंज्यूमर हैज राइट टू सर्विस। चलो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने रिपोर्ट जारी की है, एंड ऑफ द सीजन साउथ वेस्ट मानसून रिपोर्ट। IMD हैज रिलीज अ रिपोर्ट कॉल्ड एंड ऑफ द सीजन साउथ वेस्ट मानसून रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट। और रिपोर्ट में क्या गया कि इंडिया का अगर हम रेनफॉल का लॉन्ग टर्म एवरेज देखें, लॉन्ग टर्म एवरेज, तो इंडिया में इस बार रेनफॉल काफी अच्छी, मानसून अच्छा था, 109% है। अगर पहले 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती थी तो इस साल 109 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है, मतलब मानसून इज मोर देन द एवरेज व्हेन वी टेक द लॉन्ग टर्म एवरेज। और इट वाज द थर्ड हाईएस्ट आफ्टर 1994 एंड 2019, मतलब पिछले लगभग 27 सालों में इस साल का मानसून टॉप 3 में है, थर्ड नंबर पे है। PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। और साउथ वेस्ट मानसून कब पहुंचा था, सबसे पहले कहां पहुंचा था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, कब, 17 मई को, अपने नॉर्मल समय से 5 दिन पहले। साउथ वेस्ट मानसून है क्या, इट इज ए रिवर्सल ऑफ विंड्स। साउथ वेस्ट मानसून है क्या, रिवर्सल ऑफ विंड्स। और जब वो विंड्स इंडियन ओशियन से आती है और इंडियन कोस्ट पे स्ट्राइक करती है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड इंडियन कोस्ट, तो वो क्या करती है, ओशियन से पानी उठा लेती है और इंडियन कॉन्टिनेंट पे, सब कॉन्टिनेंट भी रेनफॉल करती है। और वो रेनफॉल इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया की ज्योग्राफी के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया की नीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार का मानसून आफ्टर 1994-2019 इज द थर्ड बेस्ट मानसून इन द पास्ट 27 ईयर्स, बिकॉज एवरेज रेनफॉल इज 109%, ठीक है। और 1 से 4 जून के बीच में निसर्गा, निसर्गा क्या था, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था, नाम याद रखना, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जब कहां पर, अरेबियन सी में फॉर्म हुआ और महाराष्ट्र के कोस्ट पे स्ट्राइक करा, निसर्गा भी डेवलप हुआ। निसर्गा इज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, वो साइक्लोन जो ट्रॉपिक्स में बनते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री जी को लेजिंड ऑफ मेरिट अवार्ड दिया है, ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं। इंडिया के प्रधानमंत्री को US के राष्ट्रपति ने लेजिंड ऑफ मेरिट अवार्ड दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा, मोदी जी ने इंडिया और यूएसए की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, और इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है, यूएसए के लिए इंडिया उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंडिया यूएसए के लिए, इंडिया यूएसए के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यूएसए इंडिया के लिए। अब इंडिया और यूएसए में म्यूचुअल डिपेंडेंस है, क्योंकि दोनों का कॉमन एनिमी है चाइना, दोनों को खतरा है चाइना के राइज होने से, क्योंकि चाइना ग्लोबल पावर बनेगा तो यूएसए को खतरा है, और अगर चाइना रीजनल पावर तो बन चुका है और बड़ी ग्लोबल पावर बनेगा तो इंडिया को खतरा है। इसके लिए लेजिंड ऑफ मेरिट अवार्ड किसको, हमारे मोदी जी को, किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, क्यों, क्योंकि मोदी जी ने, उन्होंने कहा इंडिया और यूएसए की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है और इंडिया एक ग्लोबल पावर बन रहा है। लेजिंड ऑफ मेरिट अवार्ड किसको दिया जाता है, हाईएस्ट डिग्री, चीफ कमांडर ऑफ द लेजिंड ऑफ अवार्ड किसको दिया जाता है, ओनली टू हेड ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट।
ये किसी को भी नहीं देता हेड ऑफ द स्टेट। इंडिया के हेड कौन है? राष्ट्रपति। और इंडिया की गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्रधानमंत्री। ये हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को ही दिया जाता है हमेशा। इससे पहले किसको दिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और फॉर्मर जापानीज पीएम शिंजो अबे को भी ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड की बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं लेजेंड ऑफ द ईयर, लेजेंड ऑफ द मेरिट अवार्ड। कौन दे रहा है? यूएस। नेक्स्ट, नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल कब मनाया जाता है? दिसंबर 22 को। दिसंबर 22 इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे। व्हाई? टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन बोर्न ऑन द लैंड ऑफ इंडिया, मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। 22nd दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल मैथमेटिक्स डे टू कमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2012। सबसे पहले कब बनाया था? 2012। कब थी? दैट वॉज द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर श्रीनिवास रामानुजन एंड ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ठीक है, एंड 2020 मार्क्स द 133rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामानुजन। ही वॉज अ सेल्फ टॉट जीनियस। ही वॉज लाइक यू नो यू सो ना, लीडर्स आर बॉर्न एंड वेन वी लुक एट मिस्टर रामानुजन, वेन लुक एट हिज हिस्ट्री, वी से मैथमेटिशियंस आर ऑल्सो बॉर्न। He was a self-taught genius who compiled 3,900 mathematical results and equations. So now what you have to remember? When Srinivas Ramanujan or National Mathematics Day, when it is celebrated on 22nd of December, on the birth anniversary of Mr. Srinivas Ramanujan. And when was this day came into picture? On 2012 for the first time. This is what you need to remember for exam. And 2012 was what? National Mathematics Year as well. This is what is important for your exams. Rest is knowledge. Right? Mr. Modi addresses 6th Indo-Japan Samvad Conference. This is again example of India's soft power. This is again example of India's soft power. When Mr. Modi addressed 6th Indo-Japan Samvad Conference, it was again 6th edition and virtual conference. And during this period, PM proposed a library for study of traditional Buddhist literature and scriptures in India. Again, this is a classic example again of what? Again of soft power. Because Buddhism, India is a land of Buddhism. Buddhism, India is a land of birth of Buddhism, I would rightly call it as. India is a land of birth of Buddhism. From India, Buddhism separate to the world. Now, we will open a library and we will, in that library, we will digital copies of Buddhist literature and Buddhist scriptures. And first India-Japan conference of Samvad took place when? At 2015 at Bodh Gaya. Theek hai? This is again, the way we have library kholna, kya hai? Agar hum Buddhism ke basis pe, library India pe khol rahe hain Buddhism ki wali, जिसमें उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और लिटरेचर डिजिटल फॉर्म में आएगी। ये अगेन किसका एग्जांपल है? सॉफ्ट पावर का। पहला संवाद कब हुआ था? 2015 में। 2020 में कौन सा हुआ है? छठा। 2020 में छठा हुआ है। ठीक है, पहला काम हुआ था बोधगया में। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशियन रीजनल एसोसिएशन, IORA, इंडियन ओशियन रीजनल एसोसिएशन, IORA। इसका पुराना नाम क्या था? इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव, IORI, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन बन गया। अर्ली इट वॉज इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव, इट्स नेम हैज बीन चेंज टू इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? देयर आर 22 मेंबर्स इन इट। एंड व्हाई वॉज इट इन यूज? बिकॉज UAE, United Arab Emirates, who is also a member of what? Indian Ocean Rim Association. UAE is a member of IORA. It has virtually hosted
20th IORA Council of Ministers meeting. And the theme of this year IORA was promoting a shared destiny and a path to prosperity in the Indian Ocean. There's everything in the name. There's everything in the name. Indian Ocean Rim Association. It is an association of 22 members who lie in and around the Indian Ocean. And in this, India is a major country, IORA. And it recently is being chaired by United Nations Emirates, United Arab Emirates, which has undertaken a 20th IORA Council of Ministers meeting. And the theme was promoting a shared destiny and path to prosperity in the Indian Ocean. थीम आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, याद रखना, थीम आपसे पेपर में पूछ सकते हैं. और कौन सी मीटिंग है? 20th. अभी चेयर कौन कर रहा है इसको? आईओआरए को यूएई कर रहा है. कब तक? 2019 से 21 के लिए, ठीक है. अब इसके अलावा इसकी इंडिया को इस दिल्ली कौन, किसने प्रेजेंट किया था? वी मुरलीधरन ने. इसमें कितने पार्टनर्स हैं आईओआरए में? 22 मेंबर स्टेट्स हैं. जो किसमें है? जो इंडियन ओशन रीजन में लाई करते हैं, जो इंडियन ओशन रीजन रीजन में लाई करते हैं वो आईओआरए के मेंबर है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1997 में. ये 1997 में बनी थी. इसमें अकेली कंट्रीज ही नहीं, इसके मेंबर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और एकेडमी भी इसमें पार्टिसिपेट करता है. इसमें पार्टिसिपेशन अकेले स्टेट्स का नहीं होता, स्टेट्स के जैसे वी मुरलीधरन कांग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आ गए. इसमें आईओआरए के मीटिंग्स में बिजनेस लीडर्स और एकेडमिशियंस भी पार्टिसिपेट करते हैं. और श्रीलंका क्या है, वाइस चेयर, ये चेयर किसके पास है? चेयर तो है यूएई के पास. और आईओए का वाइस चेयर कौन है? आईओए का वाइस चेयर है श्रीलंका. कितने पीरियड के लिए? 2021 से 23 के लिए. ये चीजें आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है. कब बना था? 1997 में. कितने मेंबर है? 22 मेंबर. और मीटिंग्स में अकेले अकेले स्टेट पार्टिसिपेट करती है? नहीं, बिजनेसमैन और एकेडमिया भी पार्टिसिपेट करता है. और आपको पता है इंडियन ओशन कितना इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम स्ट्रेटेजिक, फ्रॉम इकोनॉमिक, फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. ब्लू इकोनॉमी को हार्नेस करना है, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन रखना है. दूसरी कंट्रीज अमेरिका और चाइना अपना इंटरेस्ट दिखाती है आईओ इंडियन ओशन में, उसको रोकना है. पायरेसी को रोकना है. इंडिया के लिए चाइना के राइस को रोकना है. इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसमें क्या, इसके 10 डायलॉग पार्टनर्स भी है. इसमें 10 डायलॉग पार्टनर्स भी है. अगला, अभी तक तो 22 ही है शुभम ठाकुर, मैंने तो 22 ही पढ़ा है. कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? जर्मनी में. पहला क्वेश्चन एग्जाम का, कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? जर्मनी में. ठीक है, कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी. मेरे हिसाब से तो 22 है, बाकी चेक कर लेना, 23 में चेक कर लूंगा. और इंडिया को 3 गोल्ड मिले हैं, टोटल 9 मेडल मिले हैं, जिसमें 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है. आपसे एग्जाम के लिए, आप एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? इट टुक प्लेस इन जर्मनी. इंडिया के किस चीज को अवार्ड मिले हैं? गोल्ड में अमित पंगल, मनीषा मोहन, सिमरनजीत कौर. अब एग्जाम में पता क्या पूछ सकते हैं आपसे, कि ये नाम दे देंगे, ये नाम है जो, ये नाम किस स्पोर्ट से लिंक है? सिल्वर साक्षी चौधरी, सतीश कुमार. ब्रॉन्ज सोनिया लाथर, पूजा रानी एंड गौरव सोलंकी एंड मोहम्मद हुसामुद्दीन. इन सबको क्या मिला है? कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कहां पर हुई है. नाम सीधा नहीं पूछेंगे, गोल्ड कौन जीता ये नहीं पूछेंगे, कि नाम नॉर्मली पूछ सकते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स से लिंक रखते हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में. लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेंगे, ये जरूर पूछ सकते हैं कि कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां हेल्ड हुई है. इट हेल्ड इन जर्मनी. राइट, नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को. किसको हम किसान दिवस के नाम से भी करते हैं. और इस साल जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, उन्होंने एक टाइम का
उपवास रखा था, फास्टिंग की थी कि एक टाइम खाना नहीं खाएंगे किसान दिवस के दिन। 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि किसान एक चल रहे ना, नो फार्मर नो फूड नो इकोनॉमी, नो फार्मर नो इकोनॉमी। तो राष्ट्रीय किसान दिवस वो भी इसी की याद में मनाया जाता है, याद रखने के लिए कि इंडिया के फार्मर्स का इंडियन इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल है, खासकर 1965-66 के बाद जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और 21 की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, जो कि 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, क्या थे, 79 बोलेंगे इसको, जुलाई 1979 टू 14 जनवरी 1980 ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनकी इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम पूरे देश में मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। अगला, ठीक है, और ये डे पहली कब बनाया था, 2001 में, इतना बहुत है बस आपके लिए, ठीक है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर इनिशिएटिव शुरू किया है, किसको बचाने के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, क्योंकि बड़ी बड़ी जो पावर लाइंस हैं हमारे, जो ट्रांसमिशन का काम करती है इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे घरों में आ रहा है, आपने देखा ओपन में या खाली है वहां पर क्या बड़ी बड़ी पावर लाइंस हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन, बड़ी बड़ी पावर लाइंस किस चीज का काम करती है, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का काम करती है, ठीक है। फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगाया, अब उस बिजली में क्या होता है, उस बिजली की तारों में क्या, हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, किसके अंदर, IUCN के अंदर लिस्ट में, उस पावर लाइन्स के अंदर काफी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की डेथ हो चुकी है, दे हैव बीन किल्ड बाय दिस पावर लाइन्स। अब उसको उससे बचाने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर, दूर से ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को दिख जाएगा कि ये तारे आ गई है या खतरा है, वो वहां से वापिस उड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाना बहुत जरूरी है टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एंड टू फॉर क्लीन द एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वाइल्ड में ये 150 से कम हो चुकी है। फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर को कहाँ लगाया जाएगा, और फ्लैप्स जो पावर लाइन्स पे लगाए जाएंगे, और बर्ड हमारी दूर से देख लेगी कुछ यहां पर है और वहीं से वो अपना रास्ता बदल लेगी या उसके ऊपर से क्रॉस कर जाएगी, वो तारों से नहीं बढ़ेगी और अपनी जिंदगी नहीं खोएगी। हमारी दुनिया में, हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है, और ये भी याद रखना एग्जाम में, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, किसके अंदर, IUCN के अंदर। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या है, IUCN क्या है, वो फिर हम कभी क्लास में करेंगे जरूर। नेशनल कंज्यूमर डे जो हर साल 24 दिसंबर को बनाया जाता है, एवरी ईयर नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th of December, किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनकी इंपॉर्टेंस के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। और इस साल की थीम है द सस्टेनेबल कंज्यूमर, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24th of December, एंड दिस ईयर थीम ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डे इज द सस्टेनेबल कंज्यूमर। और क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन, किस दिन, 24 दिसंबर को ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को प्रेसिडेंट ने उस बिल पे साइन करके उसको एक्ट बनाया था, लॉ बनाया था। बिल पार्लियामेंट पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजती है, वो एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उसको फाइनली साइन करते हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को हमारे प्रेसिडेंट ने 24 दिसंबर पे ही साइन किए थे, तभी एक्ट फॉर्म में आया था। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को चेंज करके कर दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कब फोर्स में आया है, 20 जुलाई 2020 को आ चुका है। इसमें अमेंडमेंट्स कर दिए है, अमेंडमेंट्स करके हमारे पास नया एक्ट आ चुका है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वी हैव नाउ। विनीत अग्रवाल को क्या बना दिया है, एसोचैम, द एसोसिएशन ऑफ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, द एसोसिएशन ऑफ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ
इंडिया जो मैंने आपको बताया था 1920 में बनी थी। फर्स्ट हमने सेकंड टॉपिक एसोचैम का किया था, उसके प्रेसिडेंट अब कौन बन चुके हैं, विनीत अग्रवाल इज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। इससे पहले कौन थे, निरंजन हीरा नंदानी। विनीत अग्रवाल ने रिप्लेस कर दिया है निरंजन हिरन्ना हिरनन दानी को एंड ही हैज बिकम व्हाट द प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम नाउ। ठीक है, अब विनीत अग्रवाल कौन है, ये एमडी थे किसके, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, इतना बहुत आपके एग्जाम के लिए। तो इतना याद रखो एसोचैम क्या है, एसोचैम के प्रेसिडेंट कौन है। एसोचैम वॉज फॉर्मड इन 1920, इट्स एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, एम टू प्रमोट ट्रेड डोमेस्टिक एंड बोथ इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, एंड इट्स करंट प्रेसिडेंट इज विनीत अग्रवाल। जोकोविच फेडरर नडाल विंस एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल 2020 अवार्ड। और जोकोविच को, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू हू, नोवाक जोकोविच, एंड ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, ही बिलोंग्स टू सर्बिया। डबल्स में किसको दिया है, मेट पेविक और ब्रूनो सॉरिस को, और कोच किसको दिया है, फर्नांडो विसेंटे को। बट आपने तो मैं जोकोविच याद रखो, जोकोविच ही हैज गॉट व्हाट द विच अवार्ड, द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, बाकी सब भी हैं अलग अलग में, जैसे मतलब मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर में एंड्री रुबलेव रशिया के, न्यू कॉमर में कार्लोस अलकराज, ATP.com फैंस फेवरेट फेडरर एज यूजुअल, स्टेफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड राफेल नाडाल, ये याद रख लो साथ में, स्टेफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड एटीपी ने किसको दिया है, नडाल स्पेन के हैं जो, ये याद रख सकते हैं, जो क्ले कोर्ट के काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर माने जाते हैं। फेडरर इज एवरग्रीन प्लेयर, बट एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको है, वो जोकोविच को है 2020। ठीक है, और स्टेफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड नडाल को दिया गया, स्टेफन एडबर्ग, डिफरेंट से तो पूछ सकते हैं। ठीक है, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया सरफेस टू एयर मिसाइल मरसम, MRSAM। सर्फ ये अब आपने याद रखना है, MRSAM मरसम क्या है, दिस इज ए सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, दिस इज ए सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको टारगेट बनाया, जिसको हिट किया था मरसम ने, क्योंकि सक्सेसफुल टारगेट किया। ठीक है, और किसके अंदर है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के अंदर, कहां पे, चंदीपुर ओडिशा पे, यहाँ टेस्ट टेस्ट फायर किया था इसको, ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चंदीपुर ऑफ द ओडिशा कोस्ट आइलैंड, जिसको हम क्या अब्दुल कलाम या वीरल आइलैंड भी कहते हैं, अब्दुल कलाम आइलैंड या व्हीलर आइलैंड भी कहते हैं, वहां पे क्या इसको टेस्ट फायर किया जाता है। और इसका टारगेट कौन था, बंशी, बंशी क्या था, अनमैन्ड एयर व्हीकल। अब सरफेस टू एयर मिसाइल है, डेवलप किसने की, इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय, जो आपको एग्जाम के लिए याद करना है, जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDO इन कोलोबोरेशन विथ इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इन दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। बट इसको बना कौन रहा है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDO प्लस इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इसको मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस मिसाइल मरसम इज डन बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इतना आप एग्जाम के लिए याद रखो, इससे बाहर नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, एक याद रखना, वीरल आइलैंड का नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम आइलैंड, वो कहां पर है, एट द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, और हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ग्रैंड चैलेंज किया है, किसके लिए, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, कोविन। बस इतना याद रखो, कोविन, कोविन कौन से दो मंत्रालयों ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विथ मिटी, मिटी मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतना याद रखो एग्जाम के लिए, कोविन, कोविन
कॉमन किसका जॉइंट कोलाबोरेशन है, एक हेल्थ मिनिस्ट्री का और मेटी का। ये चैलेंज है जहां पे टैलेंटेड और इनोवेटिव स्टार्टअप्स को बुलाया जाएगा, उनकी टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अयोध्या, ए बुक कॉल्ड टाइटल्ड अयोध्या, किसने रिलीज किया है? देवेंद्र फडणवीस ने। कौन थे? फॉर्मर महाराष्ट्र के सीएम प्लस अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है देवेंद्र फडणवीस। बुक का नाम क्या है? अयोध्या। और ये बुक रिटर्न किसने लिखी है? बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट माधव भंडारी। माधव भंडारी ने अयोध्या बुक किताब लिखी है और इसको रिलीज किसने किया, लॉन्च किसने किया? देवेंद्र फडणवीस ने। और अयोध्या पे है क्या? ये एक डिटेल बुक है जिसमें राम टेम्पल को बनाने के लिए जितने भी आंदोलन हुए उनके बारे में इनको समराइज कर रखा है डॉक्यूमेंट्स को, अयोध्या बुक। ठीक है, नेक्स्ट गुड गवर्नेंस डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब सेलिब्रेट किया जाता है? जिसको हिंदी में कहते हैं सुशासन दिवस। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? सुशासन, टेक्नोलॉजी लेके आना, करप्शन कम करना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ऑल दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। ये सब गुड गवर्नेंस के एग्जांपल हैं। करप्शन कम करना, टेक्नोलॉजी लेके आना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना, लोगों को उनके राइट्स देना, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी वाला जो अपना वो किया था रूल्स लेके आना, वो सब क्या था? गुड गवर्नेंस, ताकि कंज्यूमर को उसका अधिकार मिले और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे, वो क्या गुड गवर्नेंस, और एडमिनिस्ट्रेशन में कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन बढ़े। गुड गवर्नेंस डे इंडिया में हर साल 25 दिसंबर को बनाया जाता है। किसकी याद में? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इन्हीं की याद में मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की याद में 2014 में ये इंट्रोड्यूस किया था। तब से हर साल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे हमारे देश में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जिसका सौभाग्य भी था। एक इतने सेकुलर, इतने इतने सॉफ्ट, इतने पेशेंट, इतने इंटेलिजेंट, इतने नॉलेजेबल, एक ट्रूली लीडर देश के प्रधानमंत्री बने थे 1996 में 13 दिन के लिए, फिर 1998 टू 1999, फिर इन्होंने एक पूरा टर्म किया था 1999 टू 2004। और हर साल 25 दिसंबर को इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन पूरे देश में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप, सॉरी स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप हमारे केंद्रीय मंत्री सोशल सामाजिक जस्टिस और एम्पावरमेंट के, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय और एम्पावरमेंट को हिंदी में कहते हैं, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मंत्री थवरचंद गहलोत द्वारा स्वच्छता ऐप, स्वच्छता अभियान ऐप को लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू हम मैनुअल स्क्वेंजेस को और इनसेनेटरी टॉयलेट्स को फाइंड आउट करेंगे, जियोटैग करेंगे इनसेनेटरी टॉयलेट्स को प्लस मैनुअल स्क्वेंजेस को, क्योंकि मैनुअल स्क्वेंजेस वहीं ज्यादा हैं जो इनसेनेटरी टॉयलेट्स हैं। तो हमने इनसेनेटरी टॉयलेट्स को जियोटैग करना है, फाइंड करना है और हमारे देश से मैनुअल स्क्वेंजिंग जैसी चीज को खत्म करना है, क्योंकि एज पर 2011 सेंसस इनसेनेटरी टॉयलेट्स इज द मेन रीजन फॉर मैनुअल स्क्वेंजिंग। तो स्वच्छता अभियान इसके लिए लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किताब लॉन्च किया है, बुक टाइटल ओ मिजोरम, वर्चुअल लॉन्च किया है। ओ मिजोरम हैज बीन लॉन्च बाय अवर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, वर्चुअल लॉन्च टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और बुक को लिखा है उसके पी एस श्रीधरन पिल्ले, जो कि मिजोरम के गवर्नर है। पी एस श्रीधरन पिल्ले द्वारा लिखी गई बुक ओ मिजोरम को हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वर्चुअली लॉन्च किया है, और ये पिल्ले की 125th बुक है। क्या बात है, पी एस श्रीधरन पिल्ले। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में बनाया जा रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम नवीन पटनायक ने अनाउंस कर दिया है, वो राउरकेला ओडिशा में बनाया जाएगा। कहां पर? बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में। बधाई हो ओडिशा वालों को भी, हॉकी के प्लेयर्स को भी, हॉकी देखने वालों को भी, हॉकी
स्पोर्ट्स के फैन को भी, हॉकी खेलने वालों को भी और पूरे देशवासियों को भी। इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बिजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस राउरकेला ओडिशा में बनाया जाएगा। ठीक है, कितनी 20,000 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, 15 एकड़ की जमीन पे बनेगा ये। और क्यों, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इंडियन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में कौन होस्ट करेगा? ओडिशा। ओडिशा विल होस्ट द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इन 2023, याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बात है अभिजीत जी, ठीक है। सोकार बैटलैंड कॉम्प्लेक्स इन लद्दाख रामसर की साइट बन चुकी है और इंडिया की 42nd रामसर साइट है, इंडिया की 42nd रामसर साइट कौन सी बन चुकी है? सोकार बैटलैंड कॉम्प्लेक्स वेयर इन लद्दाख, रामसर साइट, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स आर डन अबाउट रामसर साइट। और इंडिया की 42वीं साइट कौन सी बन रही है? सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इन चांगथांग रीजन ऑफ लद्दाख। इस सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में आता क्या क्या है? इसमें आता है स्टार्टस्पुक सो जो फ्रेश वाटर लेक है और सोकार जो हाइपर सलाइन लेक है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स को एक वेटलैंड को नहीं बनाया, सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जितना भी वाटर एरिया है सोकार का उस सबको मिला के बेसिन को क्या इन्होंने वेटलैंड कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसमें दो खासकर लेक हैं, स्टार्टसपुक सो और सोकार, ठीक है। अब ये आपको क्या याद रखना है, सोकार। अब रामसर साइट्स के बारे में अलग क्लास होगी, मैंने ऑलरेडी ऐप पे ली है गेटअप के, आप देख सकते हैं रामसर साइट्स इन इंडिया, ठीक है। तो सोकार वेटलैंड साइट्स, ठीक है, आपने एग्जाम के इसको एग्जाम के लिए कहता है ये एक रामसर साइट बन गई है और इंडिया की कौन सी साइट है? ये इंडिया की 42nd साइट है और ये कहां पर है? ये लद्दाख में है। आपने एग्जाम के लिए इतना याद रखना है अभी के लिए, ठीक है, आपने एग्जाम के लिए ये याद रखना है, ठीक है। और सो कार को वाइट लेक भी कहते हैं और एक सो मरोरी जो और माउंटेन लेक इज अनदर व्हाट रामसर साइट फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम द यूटी। हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY सेहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो किसके अंदर है? आयुष्मान भारत के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, आयुष्मान भारत के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जम्मू एंड कश्मीर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लॉन्च कर दी है और इस स्कीम के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को 5 लाख तक का पर फैमिली 5 लाख रुपए तक का क्या हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का पर फैमिली पर ईयर इंश्योरेंस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर पूरे देश में मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए हमने लॉन्च किया PMJAY सेहत। और क्या है इसके अंदर? 229 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और 35 प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल इस आयुष्मान भारत स्कीम के साथ जोड़ दिए हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और 21 लाख जम्मू एंड कश्मीर की फैमिलीज को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। पूरे देश में आयुष्मान भारत के अंदर टारगेट है 10 करोड़ फैमिलीज यानी कि 50 करोड़ लोगों को इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक का पर फैमिली पर ईयर इंश्योरेंस देने का टारगेट है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है फ्रूट्स के नाम से फार्मर्स के लिए, ई गवर्नेंस पोर्टल है फ्रूट्स में, क्या फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि देखिए फार्मर्स को नॉलेज ही नहीं होती, अब इस पोर्टल से पूरी फार्मलैंड की नॉलेज मिल जाएगी, फार्मर को लोन की नॉलेज मिल जाएगी और फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज ले सकता है। पूरा एक फ्रूट्स इज ए पोर्टल लॉन्च फॉर द फार्मर्स बाय द स्टेट ऑफ कर्नाटक, आपने इतना याद रखना एग्जाम के लिए, ठीक है। उनको आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा साथ में, कर्नाटक गवर्नर वजू भाई वाला और कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा
Vajubhai Vala is a Karnataka governor and Karnataka CM is B.S. Yedurappa. ठीक है. इंडिया की फर्स्ट टाइगर रिजर्व होट बैलून सफारी मध्य प्रदेश में आ चुकी है. इंडिया की फर्स्ट टाइगर रिजर्व होट बैलून सफारी हैज बीन लॉन्च इन वर्ल्ड फेमस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व. ये भी याद रखो कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है, मध्य प्रदेश में. अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि इंडिया की पहली होट एयर बैलून सफारी, होट एयर बैलून. अब ऊपर से आप देखो पूरा टाइगर रिजर्व को, कहीं नीचे गिर गए तो टाइगर का शिकार हो जाओगे. ठीक है, सिर्फ बफर एरिया में. एंड पीपल कैन वॉच टाइगर्स, लियोपार्ड्स, इंडियन स्लोथ बील्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ फ्रॉम ए हाइट. ऊपर से देखेंगे तो क्लियर पिक्चर आती है. ठीक है, और इंडिया में पहला ये टाइगर क्या, होट एयर बैलून सफारी आई है. ठीक है, चलिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से. क्लास खत्म हो चुकी है. डिफेंस एग्जाम प्रेप टेलीग्राम पे और डिफेंस ग्रेड अप किस पे. आपको पीडीएफ चाहिए, आपको टेस्ट चाहिए, आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको क्लास की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, सब इन पे मिलती है. आप बारी बार सवाल पूछ रहे थे, मुझे खुद को नहीं पता होता क्योंकि इतना कुछ होता है इंस्टीट्यूट में, इतनी नई नई चीजें आती है, इतना मुझे खुद को नहीं पता होता, मैं कहां से आपको इन्फॉर्म करूं. बट टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मेरे से पहले आपको पता लगेगा. डिफेंस एग्जाम प्रेप फॉर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम इज डिफेंस ग्रेड अप. ठीक है, और एनडीए खड़ा वल्सा एक्सप्रेस. ठीक है, योर वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर एनडीए प्रिपरेशन. आप यहां पे अपनी एक्सप्रेस तैयारी एनडीए की कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर. इन सब के लिए आपके पास एक ही सलूशन है, गेटअप सुपर. 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने. फीस है 4200, 6000, 7200. 3 महीने की 42, 6 महीने की 6, 12 महीने की 72. और अभी एडमिशन लेने पे इस पे 20% डिस्काउंट है. इस पे प्लस एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, उस पे अप टू 40% एक्स्ट्रा डिस्काउंट. आपकी किस्मत पे है, किस्मत अजमाओ. और कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो 9650 9650 52904 पे कॉल कर लो. 9650 52904 पे आप कॉल कर सकते हो. और अगर आप गेटअप सुपर की सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसे क्या क्या मिलेगा, SSB कोर्स, CAPF कोर्स, CDS इंग्लिश और बाइलिंगुअल कोर्स, FCAT इंग्लिश और बाइलिंगुअल कोर्स, करंट अफेयर बैच, स्पेशल बैच इंग्लिश GK और मैथ्स के, और अनलिमिटेड मॉक्स. मतलब एक कोर्स में सारी चीजें मिलेगी आपको. एक ग्रेड अप सुपर में यू कैन गेट 7 थिंग्स. सो इतना कोई नहीं देता, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ. हमने खुद की तारीफ करो, इतना कोई नहीं देता इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ. कोई भी डाउट है तो 9650 52904 पे आप कॉल कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. जय हिंद, ऑल द बेस्ट, विल मीट सून. एंड ग्रेड अप ग्रीन कार्ड के अगर आप लेते हैं अभी, तो उसमें आपको 200 प्लस फुल लेंथ डिफेंस मॉक टेस्ट मिलेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे. विल मीट सून विद न्यू टॉपिक, विद न्यू डे, विद न्यू लाइफ. ऑल द बेस्ट.